नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के रतिया में 10 मई गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किए जाने का मामला सामने आया। बेअदबी करने के लिए गुरु घर में घुसे शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हंगामा करते हुए लाइव वीडियो के सामने आया और बाद में मौके पर एकत्र हुए संगत आरोपी को गुरुद्वारे के बाहर ले आई और पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस ने 10 मई गुरुद्वारा साहिब के प्रधान जीत सिंह की शिकायत पर आईपीसी की धारा 295 ए व 323 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की बात कही। आरोपी को मेडिकल जांच के बाद हिसार के हायर सेंटर रेफर किया गया है। बीती रात हुए इस पूरे मामले की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंचे रतिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रणजीत सिंह भारी खेड़ा ने बताया कि आरोपी की पहचान सतनाम सिंह रतिया के रूप में हुई है। वह नशे में लग रहा था। आरोपी ने 10 मई गुरुद्वारा रतिया में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हंगामा किया और आरोपी बेअदबी करने की मंशा से गुरु घर में आया था। उसने अपनी मंशा भी पूरी कर ली। हंगामा कर रहे आरोपी काबू नहीं आया क्योंकि गुरुद्वारा में दो सिंह युवक वहां पर काम कर रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए मैसेज किया गया और सभी के पास सूचना पहुंची। संगत मौके पर एकत्र हुई और पुलिस को बुलाया गया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करना दशमेश गुरुद्वारा साहिब दे विच सिंह आया गा डक्या हुआ नशे का पूरा, उस तो इसने अपनी पूरी मंशा लैके सिंखा वाली डब्बी नाल इहदे कोल इसने गुरु महाराज सुगासन सिंह ग्रंथ सिंह ने करता सीगा। उस तो बाद दरबार दे विच एक दो सिंह सीगे ते इस दरबार च सिंघां नूं कहिंदा वी तुसीं बाहर जाओ मैं इत्थे रहना गा अंदर ही, मतलब पूरी तैयारी ते सी आपदी ते दो चार बंदियां तो कमेटी पंज सत्त तो छूत नहीं आया ये फिर नैट ते मैसेज पाया ग्रुप दे विच, उस ग्रुप दे विच देख के संगत इकट्ठी हो गई। संगत इकट्ठी हो के संगत ने सत्त अठ जणिआं नूं पुलिस नूं मैसेज करता, पुलिस बाकी सत्त अठ जणिआं नूं चक के बहुत कठिनाई नाल इहनूं लिआ के पुलिस दी गड्डी च छिट्टिआ। इसने सिख भावना ते खिलवाड़ कीता, करन नहीं करन गया सी, मनसा कर चुक्किआ है आपदी पूरी ते ओह 295 ए दे तहत इहदे मुकदमा बणदा, ओह पुलिस नूं अपनी कारवाई करके साडा सानूं संतुष्ट करी 295 ए दे तहत इहदे परचा दर्ज होवे। ये एक दरखास्त कल रात को प्राप्त हुई थी जीत सिंह हैं जी प्रधान इनके गुरुद्वारा कम इसके 10 मई गुरुद्वारा के, जिनके द्वारा एक दरखास्त दी थी कि भी सतनाम सन्नव सेवा सिंह है रतिया का रहने वाला है जो ना गुरु घर में घुस गया था और वहाँ जाके बैठ के इसी तरह से उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है 295-323 का, और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था जिसका मेडिकल कराने के बाद में जिसको रेफर टू हायर सेंटर कर दिया गया है और जिसके देखने में अभी वो फिट सा नहीं लग रहा था, तो जिसके कारण से डॉक्टर ने रात उनको उस बंदे को रेफर किया है जो उसकी पत्नी द्वारा उसको हिसार में हायर सेंटर में एडमिट करा रखा है। सर कोई वो कोई मेंटली अफेक्टेड है कैसे? नहीं, वो अभी तो देखो रिपोर्ट्स की बात होती है, जो रिपोर्ट्स आएगी डॉक्टर्स की और उसी के आधार पर हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने साइकेट्रिस ओपिनियन के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर किया हुआ है। सर कोई वो कुछ शराब थ्रू भी रखी थी कैसे? ऐसा कुछ शराब वाला तो अभी डिटेक्ट उन्होंने कोई हमारे को रिपोर्ट तो दी नहीं है डॉक्टर्स से।